WAG9 थ्री फेज लॉको में जो ABB लॉको होता है उसके अंदर एनर्जी नोट करनी होती है, टेक ऑन ओवर चार्ज के समय एनर्जी कितनी थी और HOC के समय एनर्जी कितनी थी। तो कैसे कैलकुलेट कैसे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन है उसके मेन मेन्यू में जाना है। तो मेन मेन्यू में दबाया हमने, यहाँ पर व्हीकल डायग्नोस्टिक के नीचे है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन दबाना है। इसमें एनर्जी कंजप्शन है तो एनर्जी कंजप्शन दबाएंगे। तो लाइफ टाइम डेटा है, ट्रिप डेटा है और मंथली डेटा है। लाइफ टाइम डेटा में ये एनर्जी मिलेगी आपको, एनर्जी कंज्यूम्ड लिखनी होती है, लोको नंबर है, एनर्जी जनरेटेड लिखनी होती है, कितनी एनर्जी जनरेट की है आपने, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बैक करके अगर आपको ट्रिप की एनर्जी देखनी है तो ट्रिप का डेटा देख सकते हैं, ये ट्रिप का डेटा है। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी जनरेटेड और डिस्टेंस ट्रेवल, ये ट्रिप में आ जाएगा, ट्रिप एनर्जी कंजप्शन डेटा। और अगर मंथ का देखना है तो मंथली डेटा इसमें आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा मंथली डेटा। आपको तो लाइफ टाइम डेटा देखना है, उसी को नोट करना है TOC और HOC के लिए। ट्रिप डेटा भी देख सकते हैं।